पायल में ना बहुत ही बड़ा कीड़ा है, एक को याद है अपने छोटे छोटे हाथों से कर। तो ब्राइड ने भी बोल दिया मम्मी को तेरी याद आएगी। तो गाइस बहुत ही जल्दी ना मैं क्विक रेडी होती हूँ। रेडी करने के बाद हम पहले पूजा करते हैं अपने मंदिर में, जो हमने पंडाल लगाया वहाँ पूजा करेंगे, उसके बाद निकलेंगे हम शादी के लिए। ज्यादा तामझाम नहीं कर पाऊंगी क्योंकि टाइम नहीं है बिल्कुल भी। तो हम सोच रहे हैं कि फटाफट से जो साड़ी हमने पहले एक बार रेडी कराई थी पहनने के लिए पर पहनी नहीं, वही साड़ी जो है हम पहन लेते हैं। सिंपल सोबर, बाल हमारे ऑलरेडी कल ही मैंने वॉश किए थे तो बाल बिल्कुल सेट है, साड़ी पहनते और निकलते हैं शादी के लिए, निकाह के लिए। तो गाइस यहाँ पर मैं कर रही हूँ हमारे मिनी ब्लॉग की डबिंग। जो नहीं देखते हमारे मिनी ब्लॉग जाके आप फेसबुक पे चेक कर सकते हो या टॉक विद कृतिका एंड पायल पे आपको हमारे मिनी ब्लॉग दिखेंगे, तो वो भी चेक कर सकते हो। मिनी ब्लॉग ना बहुत अच्छा होता है, ये लगा लो हमारे 24 घंटे के अंदर हमने जो क्या क्या किया है वो आपको 3 मिनट की या 4 मिनट की वीडियो में दिखता है, तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। तो जो लोग नहीं देखते ना वो भी जाके चेक करना। तो गाइस पायल में ना बहुत ही बड़ा कीड़ा है। किस चीज का कीड़ा है? सफाई का कीड़ा है। वो कल उसने पूरा पीछे का, मानोगे नहीं, मतलब कि ये वाली जो हमारी साइड है ना पीछे जहाँ पे हमारी अलमारियां है, इस साइड अलमारियों पूरी सेट करी, ये वाले सारे मैंने पायल की थोड़ी बहुत इसमें हेल्प की थी बट पीछे वाली में हेल्प नहीं कर पाई। ये देखो पूरा दिखाती हूँ, ये पूरा सारा सारा सेट करा हुआ है सब चीजें। और अभी दवाइयां, मेरी दवाई निकाल दी पायल यार। अब तू ट्रिप पे जाएगी ना दवाई बिल्कुल मिस मत करियो है, और जो तेरे को दवाई लेके जानी है ना वो ले जाइए। और पायल सुन, मैंने ना तेरे लिए ना वो मंगवा दी है, वो जो तेरी फेवरेट क्रीम है ना जो तू लगाती है व्हाइट वाली, वो क्रीम लगा मंगवा दी है। और मैंने तेरे लिए मेकअप रिमूवर वाइप, वो आ जा रहा है सामान। एक तेरे को याद है हम एक शूट पे गए थे, तूने कहा था गोल्ड लिपस्टिक का कलर नोट कर ले बड़ा सुंदर है न्यूड का, तो मैंने 2 लिपस्टिक के शेड मंगवाए हैं, मतलब हल्के हल्के मिलते मिलते। एक तू ले जाइयो, मैंने तेरे लिए एक और चीज मंगाई है, गैस कर क्या, जो तेरे लिए बहुत अच्छी है, जो तेरे बालों से रिलेटेड है, गैस कर 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 कर, जो तेरे को चाहिए थी कर कर, जो मैं गलत लेकर आ गई थी कर। ड्राई शैम्पू तो मैंने पायल के लिए स्पेशली ना बहुत अच्छी ब्रांड का ड्राई शैम्पू मंगाया, सबसे बेस्ट है वो, क्योंकि पायल ट्रिप पे जाएगी ना टाइम नहीं होगा सर धोने का, तो पायल के करेगी जैसे कैरावैन में बाल नीचे करे, ड्राई शैम्पू करे ऊपर करे कंघी करी, बालों में से ऑयल चला जाएगा, ठीक है। तो अयान है ना, अयान जैतुबा तीनों को ना बॉडी पे ना लाल लाल ना रैशेस से हो रहे हैं, तो अभी थोड़ी देर पहले भी रात को भी अयान ऐसे कर अपने छोटे छोटे हाथों से कर ऐसे खुजला, इतना क्यूट लग रहा। अभी मैं गई ना अभी भी ऐसे से कर रहा था, तो बच्चों को क्रीम तो लग रही है बट ना बच्चों को ना गर्म कपड़ों की वजह से हो रहा है, गर्म गर्म कपड़े नहीं पहनाते तो बच्चे बीमार हो जाएंगे। तो देखो माँ को तो टेंशन रहती रहती है, बच्चे जितना मर्जी कपड़े पहने तब भी लगता है यार उसको ठंड तो नहीं लग रही, उसको ठंड तो नहीं लग रही। तो मैंने बच्चों को जो क्रीम है ना वो सबको अप्लाई कर दी है। मैंने यहाँ रखे थे सूट, मैंने यहाँ से हटवा दी थी, तो कहाँ रखे? इधर रखे होंगे ना इस साइड, मैंने यहाँ से सारा सेट करा, यहाँ पे सारे गर्मियों के कपड़े जो तूबा अयान जैद को पहनने, और इस साइड वो कपड़े कि जो हमें किसी बच्चे को देने हैं, मैंने बच्चों के लिए कपड़े निकाले ना बच्चों जो छोटे हो गए हैं सारे अच्छे से रखवाए। तू भी बोली कि वाह गोलू वाह, वाह गोलू वाह, तो तब करूंगी जब तू वो अमेज़न से वो टाइट वाले वो बहुत आ रही है। या सूरज भैया आपसे नाराज है क्योंकि आपने हमारा वो नहीं लगाया, वो कपड़े सुखाने वाले रस्से इसके अंदर है, देखो दूसरा सूट एक ही है, दूसरा खाए छोड़ दो ताकत मत दिखाओ। अरे कोई बात नहीं, मेरे में बहुत ताकत है, मैं पंजीरी खाती हूँ गूंद के लड्डू खाती हूँ, इतनी शक्तिशाली औरत हूँ ना मैं दुनिया के सारे बेड उठा सकती हूँ अपने एक हाथों से। यार इसमें दूसरा तो दिख गया, मेरा पहन ले तू, तेरा बड़ा आएगा मुझे, क्यों आ तू जाएगा, हम कितने बेवकूफ पायल, इसमें स्टैंड है लगा दे। यार मेरा वाला सूट का है, तेरा तो कितने बेवकूफ, इसके अंदर देखियो मेरा वाला है क्या, नहीं इसमें तो एक ही नजर आ रहा है। तो गाइस बहुत बहुत प्यारा सूट निकाला, बट ये सूट मैं वापस रख के आ रही क्योंकि पायल मुझे कहती है गोलू तू ये पहन ले, और खुद भी पायल पहन रही थी स्लीवलेस वाला, फिर पायल को मिला नहीं, कह रही मैं कुछ और पहन रही हूँ, अच्छा मैं पागल बनू, मैं इतना भारी सूट मैं पहनू, तू लाइट कपड़े पहने, मैं नहीं दोनों सेम पहनेंगे। तो अभी हमने निकाले अपने बहुत ही पुराने सूट, ये वाले सूट ना सबने पहन रखे, मतलब सब लड़कियों ने वाले सूट पहन चुकी है, पर ये सूट हमने अभी तक किसी को दिए नहीं क्योंकि ये सूट बहुत सुंदर है। तो गाइस इतनी क्विक हमने मेकअप किया ना, पूजा के कपड़े चेंज करके फटाफट हम शादी के लिए रेडी हो गए हैं, क्योंकि वहां पे ना उनकी बारात आ चुकी है और हम नहीं चाहते कुछ भी हम मिस करें, क्योंकि लाइफ की पहली ऐसी शादी है जो हम अटेंड कर रहे हैं। सिंदूर तो मैं बिल्कुल मिस नहीं करना चाहती, चलो बिंदी नहीं लगाऊंगी क्योंकि इस पे बिंदी चीन लगेगी, वेस्टर्न ड्रेस है ना तो सिंदूर मैंने लगा लिया। तो कल मैंने ना पाउडर वाला सिंदूर लगाया था और सच में मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना, क्योंकि हम क्या मोस्टली लिक्विड सिंदूर लगाते हैं, तो आज मैंने फिर पाउडर वाला सिंदूर लगाया, पहले अच्छा लग रहा है पाउडर वाला सिंदूर, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि पाउडर वाला सिंदूर ना मेरे पे ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि दूसरा लिक्विड लगाती ना तो मेरी मांग इतनी है नहीं, क्योंकि पायल के साथ क्या पायल की मांग आगे से है, मेरी मांग ही नहीं, मैं कितनी बार कोशिश करती हूँ मांग निकालने की, निकलती पतली सी है, तो इसलिए मैंने ये लुक करा है, बिल्कुल सिंपल सोबर हो गया फटाफट मेक। तो गाइस एक कमेंट आया
मैसेज पढ़ के दिल खुश हो गया, दिल बाग बाग हो गया। कमेंट क्या है, स्नेहा सिद्दीकी जी का है, कोलू दी डाइट प्लीज बताएं, आप जैसे स्लिम मुझे भी दिखना है। थैंक यू सो मच गाइस, मुझे सच में इतनी खुशी मिल रही है ना, मतलब इतनी खुशी मिल रही है। बस आपको एक छोटी सी बात बताऊंगी, सिर्फ छोटी सी, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। बस अपनी जुबान पे कंट्रोल करें, जो इंसान अपनी जुबान पे कंट्रोल कर देगा ना, वो पायल और गोलू की जैसे पतला हो जाएगा। हर एक औरत हो सकता है। मैं कह रहा हूँ आपको देख देख के मैंने भी अपनी जुबान पे कंट्रोल कर लिया, थोड़ा बहुत तो पतला हो गया, थोड़ा नहीं काफी हो गया भैया। तो मैं चाहती हूँ कि हमारी पूरी टीम पतली हो जाए, सारी टीम पतली है हमारी। निशु भैया को छोड़ के, निशु ना रात भर जगता है ना गोलू, तो रात भर भूख लगती है, इस वजह से वो और रात का खाना ज्यादा दिखता है। सही बात बोल रहे हो एकदम। गाइस हम लोगों ने इतने आउटफिट निकाले पर फाइनल हमारा यही हुआ ब्लैक। तो गाइस विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग निकल चुके हैं अपने सफर के लिए, और सफर यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 3 किलोमीटर का है, लेकिन टाइम दिखा रहा है 15 मिनट। 15 मिनट में हम वहाँ पहुंच जाएंगे, और दुल्हन जो है वो बहुत ही खूबसूरत लग रही है, माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है। तो कल वाला जो व्लॉग था ना, जो फैमिली फिटनेस का है, वो इतना ज्यादा फनी ब्लॉग था। तो कमेंट क्या था, शिल्पा आनंद का था, मैं तो जुए निकाल के पानी में डालती थी कटोरी में, वो आपस में लड़ती थी। सही बोल रहे, सबने करा। देखो हमें लगा कि यार हम ऐसी बात कर रहे हैं ऑकवर्ड सी। भाई किसने व्लॉग एडिट करा था फैमिली फिटनेस का? निशु भैया से पूछूंगी। आपने हंसी आई थी, कह रहे भाभी फुल हंसी आई थी। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं वेडिंग में, और सच में सब लोगों ने ब्लैक ब्लैक पहना है, तो हमें ऑकवर्ड नहीं लग रहा, हमें लग रहा है कि हम लोग ब्लैक पहन के हैं, पर सबने ऑलमोस्ट ब्लैक पहना है, और ब्लैक कलर जचता भी सब पे ही है, ब्लैक इज ऑलवेज इन। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग बिल्कुल सही टाइम पे पहुंचे हैं, बस निकाह स्टार्ट होने वाला है कुछ टाइम में, तो चलते हैं, आप लोग भी देखना और मासा एंजॉय करना। पायल ध्यान से चलो, हील्स पहने गिर मत जाइए, धीरे धीरे चलना आता है। अच्छा ये भी एक अलग चीज है ना कि हमने चश्मा लगा रखा है, चश्मा हमने इसलिए लगाया है, देखो सबसे नजर नहीं मिलाना ना, थोड़ा सा उकड़ हो जाता है, तो इसलिए हम चश्मा लगा के आए हैं, स्टाइल भी बना रहेगा और सब बहुत जल्दी रेडी होकर आए हम फटाफट। अच्छा नहीं, आप लोगों ने टाइम लगाया होगा ना, 5 मिनट में रेडी हो गया। इनवाइट किया हमने, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया, मैंने कहा चलो चलते हैं, शायद आज ही मौका आया कि हम लोग आप लोगों की वेडिंग भी अटेंड करें और एंजॉय करें। गोलू बोल रही है पहले बता देती तो मैं आई शेडो नहीं लगाती, चश्मा लगा के आती हूँ, कोई बात नहीं। मैंने कहा आई शेडो तो मेरी दिख नहीं रही, पर कोई बात नहीं, आप देख लो। तो आज जो मैंने ये आउटफिट पहना हुआ ना, ये सूट, तो ये स्पेशली पाकिस्तानी सूट है, मैंने सोचा कि स्पेशल ओकेजन पे पहनूं, और पायल का भी जो ड्रेस है वो भी कुछ ऐसा ही ड्रेस है। तो बस अभी हम जा रहे हैं फ्लाइट के पास, क्योंकि बाहर ना बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, मैंने कुछ पहना नहीं हुआ, तो इतनी ठंड में बैठना भाई तबीयत खराब हो जाएगी, इसलिए सोचा अंदर बैठ ही नहीं, नामुमकिन है, तो चलते हैं। जल्दी रेडी हुए आप? तो ब्राइड ने भी बोल दिया आप बहुत जल्दी रेडी हो गए, क्योंकि हमें मिस नहीं करना था कुछ भी। तो अभी जस्ट शुरुआत हुई है, तो दुल्हन जा रही है निकाह के लिए, तो चलिए चलते हैं जी, चलो। तो आज मुझे पायल की शादी का टाइम याद आ गया, पायल भी ऐसे चल रही थी, तब पायल का जो लहंगा था वो भी अटक रहा था, पायल हाँ याद है, पर इनका ज्यादा लहंगा जो भारी है, हेवी है मेरा, काफी भारी है, ठीक है ना, एक दिन होते भारी पहनना चाहिए। कबूल है कबूल है कबूल है, आज दुल्हन बोलेगी कबूल है, निकाह कबूल है। अच्छा आपको कबूल है? कबूल है तभी सज के बैठी है लड़की। हाथ कांप रहे हैं उसके ना लिखते हुए। अरे रोती थोड़ी है, ये तो बहुत अच्छा दिन है आपका आज। तो देखो इस समय तो हर एक लड़की इमोशनल हो जाती है, लड़की इमोशनल हो गई है, अभी थोड़े चुटकुले सुनाती हूँ। इतनी देर बैठ के मेकअप कराया वो खराब हो जाएगा। खा रही है कि रो मत। बस लिखने जा रहे हैं वो, अभी बाद में आएगा, बाद में आएगा, लिख दिया, इतना याद नहीं लेना है, याद नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है, देखो मेरे को ये चीज देखते हुए बहुत ज्यादा। कहाँ से करेंगे? यहाँ से करेंगे। कुर्लिंग की कटिंग बहुत अच्छी लग रही है मुझे, मैं सोच रही हूँ कि गर्मियों में ना आप भी सुबह यान जैद की भी कटिंग करवा लेंगे। कैसे करवा लेंगे? कोई बात नहीं, हम कटिंग आ रहे हैं हमारे घर आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप अपने घर वाले को भेज देना। तो
अभी क्या हो रहा है ससुराल साइड से जो शगन आया है, जो सुहागन की निशानी होती है, तो वो सब दी जा रही है, सर पे फुलकारी चुन्नी दी जा रही है, ये सब निकाह का सामान है, फुलकारी चुन्नी पाली बहुत पूरी है, पूरी बोलते हैं, तो ये पूरी है जो ससुराल की तरफ से होती है, इसमें ड्राई फ्रूट्स है और जो भी है, तो मैं जस्ट अभी अभी ये पूछ रही हूँ कि जैसे हमारे में तो सिंदूर बिंदी मंगलसूत्र ये सब होता है सुहाग का, आपके में क्या होता है? अच्छा, जैसे चांदी की कोई मतलब आती है, मतलब की बिच्छू ये होती है, बाली होती है, कान की कान की लहंगे की अच्छा। जी कबूल है, जी कबूल है, जी कबूल है, वही कबूल है। चलो आप दुल्हन जाएंगी अपनी फोटोज वगैरह कराएंगी। चलो तो बस यहाँ पे हम खाना खाने के लिए बैठ चुके हैं और साथ में पूरी टीम बैठ गई है, धीरज भैया, मैं, पायल, तो बस खाना खाते हैं और अपना आशीर्वाद हमने दे दिया कपल को कि हमेशा खुश रहे अपनी जिंदगी के अंदर और जो भी चाहते हैं उनको मिले। कैसे लग रहा है सामने मीडिया खड़ी है, सारे हमें कैप्चर कर रहे हैं, कभी कभी बहुत सारे लोग होते हैं तो मुझे बहुत शर्म आती खाना खाने में, देख रहे हैं बहुत ऐसे खा रहे हैं और उनके फोन में ऐसे फोटो आ रही हो, इसलिए मैं ना कभी भी बहुत सारे लोगों में थोड़ा सा खाता हूँ। मुझे ये वाला जो सिस्टम है ना बहुत अच्छा लगा, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ये वाला जो सिस्टम है ना बड़ा अच्छा लगा, मैं अपने घर पे भी लेके आऊंगी क्योंकि हमारे घर में आपको पता है गेस्ट आते रहते हैं, तो ये ना सर्विंग करने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब नीट एंड क्लीन और सारी चीज आ सकती है। बेबी नान बोलते हैं इसको, एक बेबी नान मैं ले लेती हूँ, एक बेबी नान मेरे को भी चाहिए, बेबी नान पायल तू बस बेटा बस बहुत अलग लगा मुझे आज, मेरे साथ लगता था ना फील ही नहीं होता था कि बच्चा पकड़ा हुआ है वैसे ही। तो गाइस फाइनली हम लोग निकाह से निकल चुके हैं और निकाह में बहुत 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 ज्यादा अच्छा लगा हमें, सभी लेडीज ने माशाल्लाह बहुत प्यार दिया और लड़की के जो है वालिद भी मिले थे, हमसे मिलने आए थे, उनसे भी मिलके बहुत अच्छा लगा, लास्ट में जाते जाते हम नहीं मिल पाए क्योंकि फटाक से हम लोग निकल आए क्योंकि घर पे बहुत सारे काम करने हैं, पैकिंग अभी जो बाकी है, आधी पैकिंग तो मैंने अपनी कर ली थी, आधी पैकिंग स्लीपर्स और मैंने बहुत सारे कपड़े ऐसे लिए जो मैंने अभी तक पहने नहीं है, इंस्टाग्राम पे बहुत सारी रील्स भी बनाने वाली हूं, और गोलू कह रही है जब तक तू आएगी ना मेरे बहुत सारे पार्सल आ जाएंगे, फिर मैं जाऊंगी और फिर मैं रील बनाऊंगी, मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल, देखो जितना प्यार आप हमें यूट्यूब पे देते ना उतना ही प्यार आप हमें इंस्टाग्राम पे भी देते हो, तो हमें हर जगह ना अपडेट रहना पड़ता है, तो बस इंस्टाग्राम पे भी बहुत प्यारी प्यारी रील्स आएंगी हर जगह की, और बस अब घर के पास पहुंच गए हैं, चीकू भी ट्यूशन से, मैम का कॉल आ रहा था कि चीकू को ले जाओ, बस मैंने लक्ष्य को भेजा है कि चीकू को ले ट्यूशन से। तो गाइस जैसे कि आप सबको ही पता है घर घर में जो है दिवाली मनाई जाएगी और राम जी अयोध्या पहुंच गए हैं, तो हमारे यहाँ पे ना जगह जगह प्रसाद भंडारा लगाया जा रहा है और सबको प्रसाद खिलाया जा रहा है, तो देखो सब लोगों को जो है बहुत ज्यादा खुशी है कि इतने साल बाद राम जी भगवान अपने घर पहुंचे। तो भाई अभी अभी बच्चे घर पहुंचे हैं और आते हैं, देखो पापा पापा बेटा पापा नहीं आए, मम्मा आई है बाहर से, मम्मा टू मम्मा ब्यूटीफुल मॉम लुकिंग यंग मॉम, पापा नहीं है मम्मा, भाई यहाँ पर प्रथम बैठा हुआ है, अभी सलाह कर रहे हैं गाने कब रिलीज करना है, बहुत ही जबरदस्त गाना रील पे तो आ गया शायद आपने सुन लिया है, तो पहले अपनी तैयारी पूरी है? बिल्कुल, मैंने तो अपनी सारी पैकिंग रात को ही कर दी थी, चले चलो निकलते वापस, सब कह रहे जैद अयान तूबा चीकू का है, मैंने बोला वो घर पर है, अच्छा है हाँ मेरे बेटा, पर अच्छा मैं लेके नहीं गई, बहुत ठंड थी, तूबा मम्मी को तेरी याद आएगी, काम करो अगर सफर का एंजॉय नहीं करना तो तूबा के ले चलते, ऐसा कुछ नहीं है, क्या एक बच्चे को ले सकते हो? नहीं नहीं पता किसको, कृष्णा है वो आराम से एंजॉय करता है, वृंदावन में भी फुल एंजॉय किया था उसने, वो नहीं तंग करता, जब सोने का टाइम होता है तब सो जाता है, जब उठने का टाइम होता है जब उठ जाता है। अरे कौन चिल्लाया जैद, इतने जोर से चिल्लाया, आजकल चिल्लाने लग गया ना, फुल चिल्लाया, देखो देखो देखना हाँ बेटी हाँ बाबू, तो एक काम करते फिर इसी कपड़े में डाल देती, एक लाइफ का मेरा एक वो गोल रह गया, स्लिम तो मैं हो गई हूँ, बस सिर्फ बॉडी बनानी है लाइक दिस। अच्छा मैं बता देता हूँ, श्रेया मॉडलिंग करती है और बहुत अच्छे से इसको रैम वॉक भी आता है, तो एक छोटा सा रैम वॉक हो जाए यहाँ पे, हाँ कर सकती है, मैं गाना गा, फैशन का है ये जलवा, देखो पायल फैशन शो देखने आया है, अच्छा फैशन शो देखने आया है, मैं कर नहीं रही थी, चलो दोबारा करो, 1 2 3 एक्शन, कमेंट कर दिया पीछे से कुछ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ज़ायद देखो कितना इंटरेस्ट है, देखो बालकनी में आके देख रहा है, जाने का तो दिखा, हां बहुत ज्यादा सेम वही है रैम्बो वाली फील, सेम और सिद्धि बहुत अच्छी है इनकी, जबरदस्त,
थैंक यू, आपकी ऐसी बन जाएगी। हाँ क्योंकि आपका स्ट्रक्चर ऐसा है बॉडी का, जल्दी जल्दी बनेगी। मैं बहुत मेहनत करूंगी ऐसे फिजिक के लिए। देख जाए एक साल लग जाएगा। क्या देख रहा है बेटा? दीदी है अब गोदियाने को कह रहे हैं। तो भाई श्रेया निकल चुकी है पूना के लिए। मैं रात में पहुंचूंगी। तो वहाँ पे गर्मी है पूना में? हाँ जी। कितना माहौल यहाँ से तो ज्यादा है ना। एयरपोर्ट पे पहुँच के फोन वोन कर दियो। ठीक है, कौन से एयरपोर्ट पे पहुँच के? दोनों पे, जो यहाँ पे वहाँ पे जाते। ठीक है, मैं पुणे पहुँच के आपको एक टेक्स्ट कर दूंगा। ठीक है, चलो सी यू, बाय। ओके बाय 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 बाय। ओके दीदी, बढ़िया लग गया मुझे भी। चलो थैंक यू। तो वाइस पैकिंग जोरों शोरों से चल रही है और प्रथम को कह रहा हूँ भाई साथ चल, मना कर रहा लड़का। क्यों भाई, क्यों नहीं चल रहा साथ? आप गए थोड़ी जी टाइम ना लावांगे। मैं कहता सी गाना गुना रिलीज रिलूज कर लिया। कोई गल नहीं, जिस दिन गाना आएगा तो पता लग जाएगा। तो फिर ता चक देना काम। अभी भाई ट्रैवल होगा मेरा पूरा एक महीने का। तो अभी मैं जा रहा हूँ केरला। केरला, केरला जा रहा हूँ बाय रोड, और उसके बाद केरला से रूट बनाऊंगा वापस घर आने का कहीं और से। एक भी ब्लॉग मिस मत करना, पूरी जर्नी देखना, मजा आएगा आपको, पूरा फील होगा कि आप मेरे साथ घूम रहे। तो गाइस आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ये मेरी स्नैपचैट आईडी है, इसको भी फॉलो कर लो, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं ब्लॉग से पहले स्नैपचैट पे डालता हूँ। मिलते हैं आपको ऑन रोड घूमते फिरते।